सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप क्रिकेट के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान की टीम को एशिया कप के एक सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में 37 रन के अंतर से हरा दिया है और साथ ही एशिया कप 2018 के फाइनल में भी अपनी जगह बना ली है। शुक्रवार 28 सितंबर को अब भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद बांग्लादेश के कप्तान मशरफ मुर्तजा काफी खुश नजर आए हैं। उन्होंने इस मैच को लेकर व 28 सितंबर को होने वाले फाइनल मैच को लेकर अपनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कई रोचक बातें बोली हैं। रहीम और मिथुन ने शानदार बल्लेबाजी के अपने खिलाड़ियों को जीत का श्रेय देते हुए बांग्लादेश के कप्तान मशरफ मुर्तजा ने कहा, वैसे हमेशा मैं खुद नए गेंद से बॉलिंग की शुरुआत करता हूं, लेकिन आज हमने अपनी योजना में कुछ बदलाव किया था। आज हमने मुस्ताफिजुर और मेहंदी हसन के साथ नए गेंद से शुरुआत की और दोनों ने ही अपना काम बखूबी निभाया। मुशफिकुर रहीम ने शानदार बल्लेबाजी की और साथ ही मिथुन ने भी अच्छा बल्लेबाजी की और अंत में हमारे गेंदबाज भी बहुत शानदार थे। टीम की फील्डिंग पर है गर्व, बांग्लादेश के कप्तान मशरफ मुर्तजा ने कहा, मुझे आज अपनी टीम की फील्डिंग पर भी गर्व है। लंबे समय बाद हमारी फील्डिंग अच्छी हुई है और मुझे उम्मीद है कि अब हमारी अच्छी फील्डिंग आगे भी जारी रहेगी। हमें अपनी बल्लेबाजी और बॉलिंग के कुछ हिस्सों में अभी भी सुधार की जरूरत है। मैं भाग्यशाली था कि मैंने आज शोएब मलिक का कैच कर लिया, क्योंकि वह शानदार फॉर्म में था। अगर वह आउट नहीं होता तो वह मैच हमसे दूर कर सकता था। दोस्तों, क्या भारतीय टीम एशिया कप जीतने में कामयाब होगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।